में मौजूद हूँ इस वक्त कोरंगी ढाई नंबर पर, और जहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप लगाया गया। और इस कैंप में जो है आज कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन साहब इस कैंप का दौरा कर रहे हैं, जहाँ वो मुतासरीन फैमिली से भी मिलेंगे और उसके साथ साथ बच्चों में गिफ्ट्स भी तकसीम करेंगे। और ये वाला कैंप जो कोरंगी में है स्कूल का, ये भी हम लोग शिफ्ट कर देंगे मलिर के टेंट सिटी में, तो ये स्कूल फिर दोबारा इंशाल्लाह इसमें तदरीसी अमल शुरू हो जाएगा। और आस्ता आस्ता बाकी जो अजला में ईस्ट में और वेस्ट में और क्यामाड़ी में जो बाकी कैंप्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, सारे लोग टेंट सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे। और मैं जो वॉलंटियर्स हैं लोकेलिटीज़ के अंदर और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, दावत इस्लामी हो गई, सैलानी हो गई, मैं सबका बहुत बहुत मशहूर हूँ जो लोगों की खिदमत करते हैं। इस वक्त जो है यहाँ कुछ 700 फैमिलीज़ हैं और अब इस तरह के बेतहाशा और कैंप्स हैं। मकसद ये है कि अगर छोटे छोटे कैंप होते हैं तो लोकल लोग जो है वो वॉलंटियर करते हैं और वो फिर इन कैंपों को देख सकते हैं। जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से, जिसमें जैकबाबाद है, मीरपुर खास है, लाड़काना है, डिफरेंट डिवीजन इंटीरियर से इनके डिफरेंट इलाकों से जो है ये डिस्प्लेस होकर हमारे पास जो है वो कोरंगी ढाई नंबर कम्प्रीहेंसिव स्कूल में मूव हुए थे। मेडिकल एमरजेंसीज में इवन 24 आवर्स हमारे यहाँ कैंप्स थे, और हमारे दावत इस्लामी के महबूब भाई हैं, उनकी वजह से तीनों वक्त नाश्ता, लंच और डिनर सर्व हुए, तो माशाल्लाह से मैं तो मुतमईन हूँ बहुत ही। मुतासरीन यहाँ इस कैंप में मौजूद हैं तो यकीनन कमिश्नर कराची ने इनके चेहरों पे भी जो है खुशियाँ बिखेरी। कैमरामैन मोहम्मद जाकिर के साथ शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची।